बेमेतरा जिला के बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सिंगारडी गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रांसफार्मर के जल्द संधारण कराए जाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। बेरला ब्लॉक के सिंगारडी गांव में विद्युत ट्रांसफार्मर के खराब होने से किसान परेशान है, जिसके कारण खेतों में सिंचाई नहीं होने से फसलें खराब हो रही है। किसानों की माने तो खराब ट्रांसफार्मर को सुधरवाने ग्रामीण बिजली विभाग के कई चक्कर लगा चुके हैं। खराब ट्रांसफार्मर के चलते उनके खेतों में लगी धान की फसलें पानी के अभाव में सड़ने की कगार पर है। ग्रामीण बार बार पुराने ट्रांसफार्मर के कारण हो रही परेशानी के कारण इसी बात पर कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे, जहां नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग कलेक्टर से की गई। ट्रांसफार्मर जो खराब हो गया है, 25 दिन से हम लोग लगातार घूम रहे हैं और दिए भी है तो तुरंत खराब हो जाता है ऐसे वाला, तो इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि हमको ट्रांसफार्मर दिलाया जाए अच्छे से। आप इसलिए आए सर कि बार बार जा रहे हैं बिजली ऑफिस पर, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे सर, ट्रांसफार्मर खराब हो गया और देते हैं वहाँ काम नहीं कर रहे सर। उससे क्या परेशानी हो रही फसल? अब फसल नुकसान हो रहा है सर जी, आज मेहनत दिन से है ना, तो फसल तो पूरी बर्बाद हो रहा है, इसीलिए आए कलेक्टर ऑफिस। किसानों ने आज मुझसे मुलाकात की है और DECACB को समक्ष बुला करके ये निर्देश दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर में समस्या का समाधान करें। उन्होंने निराकरण के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है, तो अधिकतम 7 दिन के अंदर पे इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा।